श्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। एक ओर जहां मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत के आगे अपने घुटने टेक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत को आंख दिखाने की भी कोशिशें कर रहे हैं। मालदीव का कट्टर दोस्त चीन अब मालदीव के समर्थन में खड़ा है और चीन के ही दम पर अब भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। मालदीव ने अब भारत पर नया आरोप लगाया है। मालदीव का कहना है कि भारतीय तटरक्षक पिछले दिनों मालदीव के 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गए थे। इस मामले पर अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार से व्यापक जानकारी मांगी है कि आखिर भारतीय कोस्ट गार्ड्स मालदीव के जहाजों पर क्यों और कैसे चढ़ गए। मालदीव का ये भी आरोप है कि इसके चलते मालदीव के जहाजों को नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी जानकारी अब मालदीव ने भारत से मांगी है। देखा जाए तो मालदीव के तेवर अब बदल चुके हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने चीन के पीएम शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और चीन, जो कि भारत का कट्टर दुश्मन है, वो मालदीव को भारत के खिलाफ लगातार भड़का रहा है, या सीधे तौर पर कहें कि मालदीव इसी भड़काऊ बर्ताव के चलते अब भारत को आंख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। हालांकि मालदीव के इन आरोपों पर भारत सरकार की ओर से अभी भी कोई बयान सामने नहीं आया है, भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी गई है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है 31 जनवरी को भारतीय तटरक्षकों ने मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने की गतिविधियों में लगी मालदीव की मछली पकड़ने वाली नाव को रोक लिया था। संबंधित अधिकारियों से पूर्व परामर्श के बिना मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने वाली 3 नौकाओं पर सवार हो गए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और नियमों का उल्लंघन हुआ। हालांकि अब मालदीव ने भारत से इस घटना का व्यापक विवरण मांगा है। बता दें कि हाल ही में भारत के आगे मोइज्जू ने अपने घुटने टेक दिए थे और भारत को उनके 88 सैन्य कर्मियों को वापस भारत भेजने की बात पर अपनी हामी भर दी थी, लेकिन अब चीन के साथ मिलकर मालदीव नए नए षड्यंत्र रच रहा है। फिलहाल अब इस मामले पर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है कि अब मालदीव के इस नए आरोपों पर भारत अपनी क्या प्रतिक्रिया देगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज़। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।